हाय हेलो वेलकम डैड इन किचन। आज मैं बनाऊंगा नूडल्स पनीर दाल के बनाना एक डिफरेंट टेस्ट और मजा। बनाने में आसान, खाने में मजेदार, बच्चे तो बहुत प्यार से खाते। डिट्टो जो बाहर फास्ट फूड सेंटर में बनाते ना वैसे ही छे। अब इसको बनाने के लिए मेरे को फॉलो हो जाओ। गैस का चूल्हा सिलगा लो, आराम से हल्लू से देख के सिलगाना। अब इसमें लगाना भगोना और भगोने में पानी, नमक डालना, थोड़ा तेल भी डालना, तेल कंपलसरी डालना। कई को तो नूडल्स हम पकाते वक्त एक भी एक चिपकते नहीं, खुल्ला खुल्ला बनता नूडल्स। इसको आप पानी उबाल आ गया, पानी में डाल लेना। ऐसा सब नूडल्स पानी में डाल लेके इसको आराम से पका लेना। जरा चमचे से थोड़ा पकने के बाद थोड़ा चमचे से ऐसा ऐसा थोड़ा हिला लो, खुल्ले खुल्ले बनते। अब ढक्कन लगा के इसको 20 मिनट पकने देना। अब देखेंगे मसाले। मसाले में क्या है, पनीर। पनीर देखो ऐसा बारीक काट लिया मैं पनीर। एक कैबेज है, इसको भी बारीक काट लो लंबा लंबा। प्याज भी बारीक काट लेना लंबा लंबा। ये है टमाटो केचप, ये लाल मिर्च पाउडर, ये है सोया सॉस और ये है रेड चिल्ली सॉस, ये है ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर, कैरेट और यह बीनेस। बस मसाले तैयार है। अभी नूडल्स पक गए होंगे, राइट? नूडल्स पक गए, देखो अच्छा उबाल आ गया, नूडल्स पक गया। अब इस नूडल्स को सेपरेट कर लेना अपन, पानी सेपरेट, नूडल्स सेपरेट। ऐसा एक जाली की बर्तन ले लो और उसके ऊपर नूडल्स डाल दो। बस पानी निकल जाता नीचे से, नूडल्स सेपरेट हो जाता, पानी सेपरेट हो जाता। बस देखिए ऐसे ही अभी बनाएंगे नूडल्स। कढ़ाई जो फास्ट फूड है ना, फास्ट फूड जैसे कढ़ाई भी बड़ा इच लेना, जो बच्चों को मजा आता देखने में भी खाने में भी। देखिए फास्ट फूड लुक ही आ गया। अब इसमें तेल डाल देना, तेल गर्म होने के बाद प्याज डाल देना। प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं, बस थोड़ा 10 सेकेंड इधर उधर हिला देखो, देखो ऐसा बस कच्चा कच्चा ही रहना प्याज। अब इसमें डालेंगे बीनेस, बीनेस भी अच्छा पका लो ऐसे ही, अच्छा हिला हिला के पकाना। अभी डाल लो कैरेट, कैरेट को भी पकाओ। अच्छा हिलाना। अब डालना कैबेज, कैबेज के टुकड़े बारीक काट लिए, ये सब डाल के अच्छा पकाना। अब डाल लो पनीर, पनीर को भी डाल के अच्छा हिला हिलाओ को, अच्छा गरम, नीचे से सेगड़ी हाई फ्लेम रहना, अच्छा पकाते ही जाओ, हिलाते ही जाना। अब थोड़ा बीच में जगा करके ऐसा थोड़ा बीच में जगा करके इसमें सोया सॉस डालना, अच्छा हिला लेना, पकने दो। अच्छा गैस हाई फ्लेम पे लगाना। अब डालेंगे टमाटो केचप, अच्छा हिला लो, अच्छा पका, हिलाते जाना पकाते जाना, मजे से रहता। अब डालेंगे रेड चिल्ली सॉस, अच्छा हिला लेना, हिला हिला के पका लेना। अच्छा इस पूरे जो सब्जी है ना, तरकारी पूरा पकना, बीनेस, कैरेट, कैबेज। अब डालेंगे ब्लैक पेपर डाल के, अच्छा रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर। अब ये पूरा डाल के मस्त फ्लेवर आ रहा, देखो मजे का। अच्छा हिला लेना, इसको आराम से 5 मिनट पका लेना, पूरे तरकारी पक जाना। देखिए सब हो गया। अब डालो सबका राजा नमक राजा, जितना खाते उतना अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लो। बड़े प्यार से खाते, बच्चे तो मजे ले लेके खाते। अब खत्म हो गया। अब इसमें डाल लेंगे नूडल्स ऐसे ही डाल के, अच्छा ऊपर नीचे कर लेते, हिला लेना नूडल्स को। 2 चम्मच ले लो, 2 चम्मच से अच्छा से हिलाना ऐसा, 2 चम्मच हिला, बस खत्म, बन गया नूडल्स। वाव जबरदस्त, बस
आप भी ऐसे ही ला लो, पका लो, कोथमीर डाल लो और बच्चों को खिलाओ, अपन भी खाओ। वाह, देखे पनीर नूडल्स, अभी इसको खाना मजा आता। बच्चे तो बहुत इंतजार कर रहे। वाह, देखे चमचा लेके चमचे को नूडल्स घुमाना, गोल चमचे में लपट लेना। वेरी गुड। बाय फ्रेंड्स, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। बाय।